सीबीआई ऑफिसर की किस सवाल से झल्ला उठी रिया चक्रवर्ती और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि मैंने नहीं मारा है सुशांत को, मैंने नहीं मारा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना यार, उसको दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो, क्योंकि दोस्तों मैं इतने मेहनत से सारी खबर आप लोगों के लिए लाता हूँ। आपका भी दोस्तों इतना सा तो मेरे मेहनत के लिए बनता है फ़र्ज़ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की सारी खबरें आपको देते रहता हूँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट खबर होता है वो बता के चले जाता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। तो दोस्तों दरअसल हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जब रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम जैसे बता रही हो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, कई सालों से, एक दो सालों से तुम उसके साथ रह रही हो, तो फिर तुम उसके डेथ होने के सिर्फ कुछ दिन ही पहले घर से क्यों गई, और गई भी तो तुमने उसका नंबर क्यों ब्लॉक किया, उसका फ़ोन नहीं लिया, और ऐसा क्यों किया रिया तुमने, बताओ रिया बोलो। इसके बाद रिया से कहा गया कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में खोट है, और ये सारी बातें सीबीआई की बहुत बड़ी अफसर नूपुर प्रसाद कह रही थी। हम तुम्हें क्यों ना गिरफ्तार करें कि तुम उसी टाइम पे ठीक जाती हो जब सुशांत सबसे ज़्यादा परेशान होता है, तुम उसको तभी छोड़ देती हो, तो सबसे ज़्यादा शक की सुई तो तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती बहुत चिल्लाने लगी और गुस्से में बोलने लगी, तो उन्होंने कहा कि देखो शांति से यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें तुरंत सलाखों के पीछे डाल दूँगी और उसके बाद तुम्हारा कोई वकील तुमको नहीं बचा पाएगा। उसके बाद फिर अभी यही अपडेट आ रही है दोस्तों, और भी ऊपर से जो अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार।